नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में खत्म हुआ पहले चरण का मतदान। शाम 6 बजे तक 60% हुई वोटिंग। मतदान से चूके जयंत चौधरी। बीजेपी ने कहा पहले चरण में 40 सीटें, 58 में से 40 हमारा, बाकी में बंटवारा। उप मुख्यमंत्री केशव शर्मा ने किया ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे दोस्तों। इसरो ने 1975 से लॉन्च की 36 देशों की 342 विदेशी सैटेलाइट। भारतीय मूल के 129 उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजा। 2022 में है बड़ा प्लान इसरो का। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक। सोमवार को होगी इसकी सुनवाई। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट की धार्मिक पोशाक पहनने पर सीएम का भी बड़ा बयान आया है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे सीपीईसी पे चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर भारत ने जताया विरोध। पाकिस्तान ने किया इस बात को खारिज, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच कर्नाटक में हिजाब विवाद पे हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर, इसे संविधान में मौलिक अधिकार बताया गया है। इस बीच दोस्तों, कनाडा में जोरदार विरोध। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ एक बड़े ऐलान कर दिए हैं। यूपी में बाबा योगी बनने जा रहे हैं कैसे सीएम, आ गया है सर्वे। खान सर के विहार छोड़ने पर लगी रोक। पुलिस प्रशासन ने थाने बुलाकर की पूछताछ, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ओपे में खत्म हुआ पहले चरण का मतदान। शाम 6 बजे तक 60% वोटिंग। मतदान से चूके जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 11 जिलों की 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 60% मतदान हुआ। बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। पहले चरण की वोटिंग के दौरान युवाओं के साथ ही बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। वही मतदान को लेकर सपा ने बीजेपी पे कई आरोप भी लगाए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के मुस्तफाबाद में वार्ड संख्या 93, 94, 95 में प्रशासन बेहद धीमी गति से वोटिंग कराई। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर 6 बजे तक 60% वोटिंग मतदान रहा है। और इस बीच समाजवादी पार्टी को करारा झटका लग रहा है, क्योंकि इन 58 सीटों में से 40 सीटों पर डिप्टी सीएम ने दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि 40 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अब 10 तारीख को यह पता चलेगा किसके खाते में कितने गए। लेकिन नया नारा दे दिया है कि 58 में 40 हमारा, 18 में बंटवारा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कर्नाटका में हिजाब विवाद के बीच हाईकोर्ट का फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई गई रोक। अब सोमवार को होगी इस चीज़ की सुनवाई। दरअसल हिजाब पहनने की मांग करने वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगा दी गई है। और अब कहा गया है कि तब तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खानजी की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की और कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी में कोर्ट रिपोर्ट न देख करें। कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया, अखबार या कहीं और भी आदेश आने पर रिपोर्टिंग न करें। इसके साथ ही सीएम बम्बई ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोमवार से स्कूल खुलने की बातें कही गई हैं। हालांकि आपको बता दें, कई मुस्लिम संगठनों ने एक तरीके से माहौल ख़राब करने की तैयारी कर ली है। हालांकि चेतावनी जो है वो लगातार दे रहे हैं अधिनेता भी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। हिंद प्रशांत में चीन की चुनौतियों के बीच ऑस्ट्रेलिया में आज क्वाड की है बड़ी बैठक। 4 मुल्कों के विदेश मंत्री ने लेंगे हिस्सा। समुद्र में चाइना की बढ़ रही है मुसीबत। ऑस्ट्रेलिया आज, आपको बता दें, शुक्रवार के चौथे क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक मेजबानी कर रहा है। इस बीच आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पाय ने शुक्रवार को मेलबर्न में चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों की मेजबानी कर रहे हैं। पाय ने कहा कि मैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापानी विदेश मंत्री हाइसी येशिमाना और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके साथ ही सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के समर्थक में हमारे सकारात्मक और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर चर्चा की जा सकती है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया के 3 सबसे करीबी भागीदारों और दोस्तों के साथ एक साझेदारी में है और इसमें हर देश खुलेपन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता साझा कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, सीपीईसी पे चाइना और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पे भारत ने विरोध जताया, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी बोले, प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा के गोल्डन भविष्य का विकास ऐसे ही जारी रहेगा। सहारनपुर भी गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले
यूपी में भय भ्रष्टाचार मुक्त एक बार फिर से योगी सरकार बनाए। एक और अपडेट, आरआरबी एनटीपीसी मामले में खान सर से बिहार से पटना जाने पर लगी पाबंदी। पटना के थाने में हुई पूछताछ, बिहार छोड़ने पर लगी रोक। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और टीचर खान सर पर पुलिस ने राज्य के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के हंगामे और छात्रों को भड़काने का आरोप खान सर पर लगा हुआ है। इसी सिलसिले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बुधवार देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने खान सर को बुलाया गया था। आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद पहली बार वो थाने पहुंचे थे जहाँ पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें नोटिस पर हस्ताक्षर करवाए। प्रशासन ने उन्हें सख्त हिदायत दी है, कहा है कि जब तक जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद विपक्ष तिलमिलाए हुए हैं। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया कि कश्मीर, केरला और बंगाल अगर आप बनने से बचना चाहते हैं तो यूपी में एक तरीके से भाजपा को वोट करें। अब इस ऐलान के बाद पूरे के पूरे जो दल हैं वो सीएम योगी पर टूट पड़े और उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कह दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस संदर्भ में कहा कि जहां एक तरफ केरला में हिंदुओं की आबादी, हिंदू जो है अल्पसंख्यक में आ गए हैं, बंगाल में भी अल्पसंख्यक हो ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, यानी जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और एक तरीके से हिंदुत्व और हिंदुओं पर खतरा बढ़ा है इन राज्यों में, सीएम योगी ने इशारा इस बात को लेकर किया। लेकिन अब विपक्षियों को ये रास नहीं आ रहा है और ये सच्चाई जो है उनको रास नहीं आ रही है, यही कारण है कि वो पूरी तरीके से अब तिलमिलाए हुए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की नई घुसपैठ की कोशिश। भुज के क्रीक क्षेत्र में BSF ने जब्त किए 11 पाकिस्तानी नाव। घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद ये ऑपरेशन हुआ था। गुजरात की भुज में BSF ने क्रीक क्षेत्र में 11 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त की गई हैं। बुधवार 9 फरवरी को सामान्य क्षेत्र हरामी नाला में पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं और मछुआरों की घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद DIG BSF भुज ने लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के फैले इलाके में तुरंत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। GS मलिक IPS IBC BSF गुजरात फ्रंटियर गांधीनगर से तड़के कक्ष पहुंचे और व्यापक तलाशी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे BSF ने अब तक 11 पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी जब्त कर लिया। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट, राष्ट्रपति ने 17 जजों की नियुक्ति की। जस्टिस मुनिंदर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में 17 जजों की नियुक्ति की। वहीं मद्रास में हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस महेंद्र नाथ भंडारी चीफ जस्टिस बनाया गया। गुरुवार को इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इनमें सभी जजों के और अपडेट हिजाब विवाद। भारत की पाकिस्तान को 2-2। हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान रोने लगा था, अब भारत की तरफ से जवाब आया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद मामले में पाकिस्तान द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद भारत ने भी पलटवार किया है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को आधारहीन और झूठा बताया। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को 2-2 में स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। भारतीय राजदूत ने कहा है कि हमारा देश वर्षों से धर्मनिरपेक्ष है और आगे भी रहेगा। वहीं पाकिस्तानी मंत्री के ट्वीट्स पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कुछ लोग भारत की समावेशी संस्कृति को बदनाम करने की इस साजिश के तहत संस्थानों के ड्रेस कोड और अनुशासन के फैसले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकारों को बेशर्मी से कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, समान समृद्धि, सहिष्णुता, सद्भाव और समावेशित के प्रति भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भारत पर सवाल उठाए हुए थे और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। शी जिनपिंग और इमरान खान के बयान पर मोदी सरकार ने दिया जवाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हालिया चीन यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिनमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया और इससे लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कहा है कि हमने देखा है कि 6 फरवरी 2022 को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का जिक्र किया गया था। अरिंदम बगाची ने कहा है कि हम ऐसे संदर्भों को हमेशा से खारिज करते हैं, ये बात पाकिस्तान और चीन को अच्छे से पता है।
कि इस मामले में अभी संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने को खारिज कर दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। हम आशा करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। अब दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों पर भी आपत्ति जताई और कहा है कि चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारत के क्षेत्र में सीपीईसी का काम रोके। अरिंदम बगाची ने कहा है कि हमने तथाकथित सीपीईसी परियोजना से जुड़ी अपनी चिंताओं से लगातार पाकिस्तान और चीन को अवगत कराया हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। नेहरू के समय भारत ने गलवान का ज़्यादातर हिस्सा गंवाया है, उसके बाद से एक इंच भी नहीं गई। बीजेपी सांसद नामग्याल ने खोल दी है कांग्रेस की पोल। भाजपा ने कांग्रेस पर गलवान घाटी का ज़्यादातर हिस्सा चीन को सौंपने का आरोप लगाया है। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग तेशरिंग नामग्याल ने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू सरकार के कार्यकाल में गलवान घाटी का ज़्यादातर हिस्सा चीन को सौंप दिया गया है और ये सीमा तब से वैसी ही बनी हुई है। इसमें बीते सालों से एक इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। नामग्याल ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान ये दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस से ये भी पूछा है कि उसने 1962 से 2019 तक अपने चुनावी घोषणा पत्र में अक्साई चीन क्षेत्र को भारत में वापस लाने में शामिल क्यों नहीं किया गया। नामग्याल ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इनमें सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख से आता हूँ जो कि तिब्बत चीन और पाकिस्तान की सीमा में है और हमेशा तनाव रहता है। साथ ही विपक्ष ने पूछा है कि सीमावर्ती इलाकों के लिए क्या किया गया है, इसलिए मैं अपने भाषण में सीमा पर ध्यान देना चाहता हूं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा केस। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। दरअसल लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वो मुख्य आरोपी हैं। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और आज कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि बेल बांड भरने के बाद आशीष को जेल में रिहाई मिल सकती है। SIT जांच के बाद मुख्य आरोपी बनाया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, यूक्रेन सीमा के पास आज बम बरसा रहा है रशिया। S-400 और सुखोई भी तैनात कर दिया। युद्ध की पूरी तैयारी तेज। यूक्रेन के साथ जंग जैसे माहौल के बीच रूस बेलारूस में अगले 10 दिनों तक जोरदार युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है। बेलारूस में यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद पास होने जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो युद्ध को लेकर कितना गंभीर हैं। इस अभ्यास में रूस के 30,000 सैनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। रूस ने इन महाभ्यास के लिए मध्य जनवरी महीनों में ही अपने सैनिकों को बेलारूस में भेजना शुरू कर दिया है। इस अभ्यास को एलाइड रिजॉल्व नाम दिया गया है। इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार रूस के तैनात किए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। राजनीति के रंग में उतरे WWE रेसलर द ग्रेट खली। चुनाव के बीच थामा भाजपा का दामन। दरअसल 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच WWE ने भारत का मान बढ़ाने वाले रेसलर द ग्रेट खली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भगवा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं और उन्होंने बीते साल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें खली के राजनीति में आने की संभावना बीते कई महीनों से चल रही थी, हालांकि पार्टी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद खली के BJP में शामिल होने की संभावना बढ़ गई। आज वो आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी ने वोटरों से की अपील, गलती की तो कश्मीर केरल बंगाल बन जाएगा UP। जयंत चौधरी। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश पे बवाल शुरू हो गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सीएम योगी ने स्पष्ट तरीके से वोटरों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपके एक वोट उत्तर प्रदेश को केरला कश्मीर और बंगाल बचने से रोक सकते हैं। आप यूपी को बंगाल बनाने के लिए बंगाल के लोग आ गए हैं, यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि आपकी एक गलती यानी एक वोट जो है वो यूपी को बंगाल कश्मीर और केरला बना देगा। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के गुरुवार को पहले चरण के मतदान के मौके पर योगी ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के मतदाताओं को आगाह किया और उन्होंने मतदाताओं से कहा कि यदि गलती की गई तो कश्मीर, केरल और बंगाल बन जाएगा यूपी। एक और अपडेट लेते हैं तो कश्मीर, बंगाल और केरला, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा चीन में बनी, राहुल के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई। 216 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रतिमा चीन में बनी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मूर्ति की स्थापना निजी पहल है, राहुल गांधी का बयान खोखला है। इसके साथ ही प्रतिमा चीन में बनी होने के लेकर केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि इसके निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रतिमा की स्थापना का विचार वर्षों पूर्व किया गया था। हैदराबाद के एक मंदिर में 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने बीते दिनों किया था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद